महामारी कोरोना और लॉकडाउन ने हर किसी को अंदर से तोड़कर रख दिया। ऑनलाइन पढ़ाई में फीस देने की चिंता सबको सता रही है। इस मसले पर अभिभावकों ने मन से चुनी सरकार से कुछ अर्जी लगाई है, सुने। प्राइवेट स्कूल आज लूट मचा रखे हैं। ट्यूशन फीस के अलावा लगातार कई दूसरे मदों में वो पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे स्कूलों के ऊपर में कार्रवाई हो और इस तरह के जो अनैतिक जो फीस लिए जा रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। पिछले साल भी इस तरह का आदेश राज्य सरकार ने निकाला था कि ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई दूसरा फीस जमा नहीं करना होगा, लेकिन उस आदेश के बावजूद भी इस साल लगातार स्कूलों की तरफ से कहीं डेवलपमेंट, कहीं एनुअल चार्ज, कहीं स्मार्ट कार्ड, कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ तक कि मेडिकल का फीस तक भी जो वसूले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के झारखंड अभिभावक संघ ने 7 बार 7 गुहार के नाम से ये कार्यक्रम चलाया है और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग राज्य सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर थोड़ा सोचिए। है कि प्राइवेट स्कूलों का जो एनुअल फीस वगैरह अन्य एक्सेसरी लिया जाता है उसको माफ़ किया जाए और अभिभावक को थोड़ा सा राहत मिले, इसलिए ये अन्य मद में जो पैसा लिया जाता है उसको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए 2-3 साल के लिए, जो कोरोना काल है उसको देखते हुए।